जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। जकरियाह अध्याय 9। हादराक देश के विषय में यहोवा का यह कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है और हामात की ओर जो दमिश्क के निकट है और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। और सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और चांदी धूली के किनके की नाई और चोखा सोना सड़कों की कीच के समान बटोर रखा है। देखो, यहोवा उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा और अज्जा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और अज्जा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी और अश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा और मैं उसके मुंह में से अहेर का लोहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे और मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई परिश्रम करने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा। मैं तो ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा और मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्य जातियों में शांति की बातें कहेगा और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। और तू भी सुन, तेरी वाचा के लोहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आज ही मैं बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रेम को लगाया और हे सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंह फूक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे और उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल होगा और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्टपुष्ट हो जाएगी।